नमस्ते दोस्त, मैं सत्यजीत गायकवाड़ हमारे चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग आपके लिए लेकर आने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की हर रोज़ एक नई वीडियो, जिसमें आप सीखेंगे क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पूरा सिलेबस। तो आज हम लेने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज का हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। ये पूरी बातें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इंडियाज़ फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हाँ जी, आपने बहुत सही सुना, इंडियाज़ फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नून अकेडमी इज़ हेयर फॉर यू, जिसमें आप सीख सकते हैं क्लास 9th से लेकर क्लास 12th की पूरी सिलेबस एब्सोल्युटली फ्री। जी हाँ, 9th से लेकर 12th तक पूरा सिलेबस एब्सोल्युटली फ्री आपको सीखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नून एकेडमी पर, जिसमें आपको सीखने को मिल सकता है डेली फ्री लाइव क्लासेस, जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक। फ्री नोट्स एट द एंड ऑफ क्लास, ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा, हर क्लास के एंड में आपको नोट्स मिल जाएगी। उसके बाद MCQ और प्रिपरेटरी सेशंस भी आपके होंगे वहाँ पे। उसके बाद में MHCET, नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उनकी भी तैयारी की जाएगी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। और एट लास्ट अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री, सिर्फ और सिर्फ नून एकेडमी पर। तो जाइए जल्दी से जल्दी नून एकेडमी चैनल, नून एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए वाली है। जाइए और इस नून एकेडमी के पूरे लाइव क्लासेस का मज़ा लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो क्या है लीनियर इक्वेशन? क्या है लीनियर इक्वेशन? एक ऐसा इक्वेशन है जो इक्वेशन हम अगर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो उसकी उस इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, इसीलिए हम उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स है, और एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज वन। जो डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? वन। द डिग्री ऑफ द इक्वेशन शुड बी वन। और ऐसा जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसमें दो वेरिएबल्स होने चाहिए, उस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होने चाहिए, और उसकी डिग्री जो है वो वन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है AX+BY+C इज इक्वल टू जीरो इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्या है? जनरल फॉर्म है। AX+BY+C इज इक्वल टू जीरो क्या है? जनरल फॉर्म है। यहाँ पे हम देख सकते हैं AX+BY इज इक्वल टू सी, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन होगी कि ये AX BX BY C ये सब क्या है। तो इसमें हम तीन चीज़ें देखने वाले हैं। इसमें कुछ वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल्स है? देयर आर टू वेरिएबल्स। कौन कौन से? X एंड Y। वेरिएबल्स कौन से हैं? X एंड Y। देन देयर आर ABC, ये क्या है? फिर A और B क्या है? व्हाट इज A एंड B? एक्स के आगे ए आया और वाई के आगे बी, तो एक्स और वाई के वो कोएफिशिएंट्स है, क्या है? कोएफिशिएंट्स ए एंड बी। व्हाट आर ए एंड बी? कोएफिशिएंट्स मतलब एक्स का कोएफिशिएंट है ए और वाई का कोएफिशिएंट बी। रहा सवाल सी का, सी क्या है फिर? व्हाट इज सी? सी इज द कांस्टेंट। जो सी है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ये है एक लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं, उसका जनरल फॉर्म क्या है, ये आपको यहाँ पे पता है। दो चीज़ें ध्यान में रखना है, खाली इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होना चाहिए और दूसरी बात उसकी डिग्री जो है वो वन होनी चाहिए। ये दो चीज़ें ध्यान में रखना, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी वाली है कि दिए गए इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, ये आपको पहचानना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो पहला तो इक्वेशन देखिए, 4m+3n इज इक्वल टू 12। जी हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि m^n यह दो चीज़ें ध्यान में रखना हमने। क्या दो चीज़ें? कि इसमें वेरिएबल्स कितने होने चाहिए?
वेरिएबल्स मस्ट बी टू, देर मस्ट बी टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री शुड बी, डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री शुड बी वन। ये दो चीज़ें ध्यान में रखना, डिग्री वन। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा व्हाट इज डिग्री, तो डिग्री का मतलब क्या है, द हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर। पावर मतलब ये देखो, 4m, 4m है उसके, उसका पावर कुछ भी नहीं, मतलब वन है, m का पावर वन, यहाँ n का पावर वन है, तो पूरे इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो वन है, तो इसका, इसकी डिग्री जो है इस इक्वेशन की वन हो गई, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, देर आर टू वेरिएबल्स m एंड n। सेकेंडली, 3x² माइनस 7y इज इक्वल टू 13। तो 3x² पहले ही हम यहाँ पे देख सकते हैं, 3x², x का पावर क्या है, पावर टू है, पावर टू मतलब डिग्री दो हो गई, इसकी डिग्री टू है, तो डिग्री टू है ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, देन थर्ड इक्वेशन जो है, तो थर्ड इक्वेशन जो है उसमें हम देख सकते हैं कि अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 5y इज इक्वल टू 16। अब ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें खाली इतनी ही एक बात ध्यान में रखना है कि x और y इनकी पावर क्या है, पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन। देन एक और बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये भी हम देख सकते हैं, कुछ लोगों को लगेगा कि ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन, लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ आ गया 0x। 0x मतलब क्या, मतलब ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे एक्चुअली नहीं है, 0x मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ रहा हमारे पास क्या, ये इक्वेशन 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, हमें टू वेरिएबल्स वाला चाहिए, तो ये नहीं है, नो। सेम चीज़ यहाँ पे, 0y ये टर्म कैंसिल, देन ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब ये रहा सवाल इस इक्वेशन का, ये कुछ लोगों को कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, यहाँ पे हम सॉल्व करके देखेंगे, 4 अपॉन x प्लस 5 अपॉन y इज इक्वल टू 4। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, y इंटू 4, 4y प्लस x इंटू 5, 5x अपॉन x इंटू y, xy इज इक्वल टू 4, एंड देन 4y प्लस 5x इज इक्वल टू, ये एक्स एक्स वाई इधर गया, 4xy, तो ये इक्वेशन जो है यहाँ पे xy आ गया, तो इस वजह से ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि xy मतलब इसका पावर 1 प्लस पावर 1, डिग्री कितनी हुई 2, एट अ टाइम दो वेरिएबल्स किसी भी इक्वेशन में नहीं आ सकते लीनियर इक्वेशन में। सेम सेवेंथ इक्वेशन, सेम 4xy एट अ टाइम दो वेरिएबल्स है यहाँ पे एक ही टर्म में, तो इसकी वजह से डिग्री क्या हुई, 1 प्लस 1, इसकी पावर 1, पावर 1 प्लस डिग्री कितनी हुई 2, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इन सब एग्जांपल्स में से मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करने वाले हैं, मतलब यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिए वाले, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, और जब दो इक्वेशन हम एट अ टाइम सॉल्व करेंगे तब हम उसे कहेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और जब हमें उसे सॉल्व करना है तो उसकी मेथड हमें समझ में आनी चाहिए। एकदम पहली सिंपल मेथड हमें ध्यान में रखना है, वो है एलिमिनेशन मेथड। कौन सी मेथड, एलिमिनेशन, कौन सी मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे दो इक्वेशन है, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे। देन सेकेंड इक्वेशन, ए प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एलिमिनेशन मेथड तो है, मतलब कुछ तो भी चीज़ इसमें से एलिमिनेट करना है अपने, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, एक टर्म एलिमिनेट करेंगे। एक टर्म मतलब यहाँ आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, 5b और 5b दोनों इक्वेशन में 5b कॉमन है, जो आपको यहाँ पे दिख सकता है 5b 5b क्लियरली, तो 5b एलिमिनेट कर सकेंगे हम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, एक तो एडिशन और दूसरा सब्ट्रैक्शन, ये दो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। इस दोनों में से क्या करना है, अगर सपोज हमने एडिशन करी, दो दो इक्वेशन ऐड कर दिए तो क्या होगा, 5b प्लस 5b 10b हो जाएगा, तो एडिशन तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडिशन अगर की तो एलिमिनेशन ही नहीं होगा, और एलिमिनेशन नहीं होगा तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। तो
तो उस वजह से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन मतलब बड़ा इक्वेशन जो है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू ज़्यादा है, उसमें से इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देयर फोर सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 3a + 5b इज इक्वल टू 26 एंड सब्ट्रैक्शन माइनस a + 5b इज इक्वल टू 22। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तब सेकेंड इक्वेशन जो है नीचे उसके पूरे साइन चेंज करके लेना है हमें। ए के आगे कुछ भी नहीं, मतलब ये पॉजिटिव प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये प्लस है, इसको माइनस कर देंगे। ये यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसको माइनस कर देंगे। 3a - a यहाँ पे मिला 2a + 5b, और ये प्लस था वो माइनस हो गया, +5b - 5b ये कैंसिल। उसके बाद इज इक्वल टू 26 - 22 दैट इज 4। देन 2a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू क्या हुआ, 4/2। और फाइनली a इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द वैल्यू, a इज इक्वल टू 2। अब दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू तो हमें मिल गई, मतलब a की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, हमें पुट करना है। ये वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, कौन से भी, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। पुट इक्वेशन, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सा इजी है, इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। देयर फोर वैल्यू ऑफ a + 5b, ये इक्वेशन है हमारा, a + 5b इज इक्वल टू 22। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इज 2, 2 + 5b एज इट इज इक्वल टू 22। एंड देयर फोर 5b एज इट इज इक्वल टू 22। ये 2 इधर भेजने के बाद क्या हो गया, -2, दैट इज इक्वल टू रिमेनिंग वैल्यू 20, 5b एज इट इज। एट लास्ट b इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 है यहाँ पे, इधर जाने के बाद में क्या होगा, डिवाइड, दैट इज इक्वल टू 5 4 20, बी इज इक्वल टू 4। दैट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड वेरिएबल। देयर फोर वॉट इज द आंसर, द आंसर इज दैट आंसर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। दैट इज द फाइनल सोल्यूशन गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, अब यहाँ पे आपको जो एलिमिनेशन मेथड है उसके बारे में पता चल गया होगा, लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, ये कुछ एग्जांपल हमें अलग मिलते हैं। यहाँ पे क्या करा किया हमने, 5b की टर्म जो है, जो 5b है उसे एलिमिनेट कर दिया। लेकिन इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, ये इक्वेशन जो है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में कोई भी टर्म सेम नहीं है, कोई कोई टर्म सेम है नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ये हम अब देखने वाले हैं। तो चलिए, 5x - 3y इज इक्वल टू 8, ये हुआ हमारा इक्वेशन फर्स्ट। देन 3x + y इज इक्वल टू 2, ये हुआ हमारा इक्वेशन सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड से तो हम ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये इक्वेशन क्या है, ये इस इक्वेशन में कोई भी टर्म सेम नहीं है। क्यों नहीं है सेम, मतलब सेम कर सकते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से, अगर सॉल्व करने का रहा ये इक्वेशन तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 3y दिख रहा होगा, -3y, अगर यहाँ पे कैसे जैसे तैसे करके अगर हमने 3 ला लिए, 3 अगर ला सकते हैं हम तो लाएंगे, और उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो 3 लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे y के आगे कुछ भी नहीं, y जो वेरिएबल ऑफ y इज 1, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है वहाँ पे 1 है। और उसके बाद 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, मतलब इस अकेले y को मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9, 9x + यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 1 है, 1 × 3 3 3y, और यहाँ पे 2 × 3 6, ये हुआ हमारा इक्वेशन थर्ड। अब जब हमने इक्वेशन सेकंड को चेंज कर दिया है तब इक्वेशन सेकंड को थोड़ा देर हम बाजू में रखेंगे, और सॉल्व किसको करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड में -3y + 3y है,
अगर हमने इसकी एडिशन कर दिए तो ये पूरा का पूरा क्या 3 बाई 3 y कैंसिल हो जाएगा। जब हम क्या कर सकते हैं फिर, ऐड कर सकते हैं, एडिंग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। क्या होगा फिर, 5x-3y इज इक्वल टू 8 और प्लस 9x+3y इज इक्वल टू 6। और जब एडिशन करना है, पिछली बार जब सब्ट्रैक्शन की थी इससे पहले के एग्जांपल में, तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे साइन चेंज किए थे, लेकिन एडिशन के टाइम पे साइन चेंज करना नहीं, बिल्कुल नहीं करना। ओके, उसके बाद में क्या हुआ, -3y+3y अपोजिट साइन होने की वजह से ये कैंसिल हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो 5x+9x कितने हुए, 14x इज इक्वल टू 8+6 14, 14 × 1 = 14, x इज इक्वल टू 1। वट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 1। एंड देन वट इज द सेकेंड वैल्यू, अभी अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, जो हमने बाजू में रखा है, कौन सा इक्वेशन, सेकेंड। मतलब किसी भी इक्वेशन में पुट किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये इक्वेशन थोड़ा इजी है इसलिए इस इक्वेशन में पुट करेंगे। 3x+y = 2, ये हमारा इक्वेशन है, उसमें x की वैल्यू पुट करना है, 3 इन ब्रैकेट व्हाट वैल्यू ऑफ x, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3 × 1 = 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू 2, ये प्लस 3 इधर गए, जाने के बाद में क्या हो गया, -3, y इज इक्वल टू -1। ओके, देन व्हाट इज द आंसर, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो जब कॉमन टर्म नहीं होगी तब क्या करना है, ये इस एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। और ऐसा अगर एग्जाम्पल आए तो ये मेथड यूज करना, किसी भी एक टर्म को हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरी की पूरी इक्वेशन को, ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल जो है ये बहुत लोगों को हार्ड लगेगा, लेकिन जितना दिखने में हार्ड है उतना हार्ड ये एक्चुअल में नहीं है। वो बोलते हैं ना, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं, तो ये भी हार्ड दिखता है लेकिन ये हार्ड है नहीं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो पहले तो हम क्या करेंगे, अपनी जो मेथड है, 1/3x+y = 10/3, यह है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। देन 2x+1/4y = 11/4, यह है हमारा इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद में ध्यान में रखो, यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है खाली, जो डिनोमिनेटर की पोजीशन पे जो नंबर है उसी नंबर से उस पूरे इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। डिनोमिनेटर में क्या है, इक्वेशन वन में 3, मतलब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × x+3 / y = 3 × 10/3। तीनों टर्म को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे 3 कैंसिल, यहाँ पर 3 कैंसिल। कैसे कैंसिल ये बताता हूँ मैं, यहाँ पे ये 3 × 1 = 3 और 3/3 कैंसिल, यहाँ पर 3 × 10 = 30, 30/3 दैट इज 10, मतलब 3 कैंसिल हो गया, 10 एज इट इज़ रह गया। जैसे कि यहाँ पे रिमेनिंग x × 1 x + 3 × y 3y = यहाँ 10, इक्वेशन नंबर थर्ड। देन सेकेंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर है 4, तो उसे किस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कौन सा इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 4। अब क्या होगा, 4 × 2x + 4 × 1/4y = 4 × 11/4, देन यहाँ पे भी 4 कैंसिल और यहाँ पे भी 4 कैंसिल। अब क्या हुआ, 4 × 2x = 4 × 8 = 8x + 4, इधर 1 × y 1y, मतलब सिर्फ y, इज इक्वल टू इधर 11, ये इक्वेशन 4। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ आपके लिए थोड़ा सा इजी हो गया, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। अब क्या करेंगे, अभी भी हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते,
क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें मिसिंग लग रही है। जैसे कि हमें क्या चाहिए, हमें सेम टर्म चाहिए, सेम टर्म चाहिए। यहाँ पे एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 10 मिला हमें यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में एक्स की जगह हम 8x कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8 करके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 इस इक्वेशन को, इक्वेशन थ्री, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन थ्री बाय 8, और 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, वन वेरिएबल ऑफ एक्स, वन, वन इंटू 8 दैट इज 8, 8x प्लस यहाँ 3, 3 इंटू 8 24, 24y, यहाँ पे 10, 10 इंटू 8 80। ये नया इक्वेशन, इक्वेशन 5, और सभी पिछले इक्वेशन बाजू में छोड़ के हमें खाली फिफ्थ और फोर्थ पे ध्यान देना है, और फोर्थ और फिफ्थ में 8x कॉमन है, मतलब हम क्या करेंगे, एडिशन अगर की तो 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, एडिशन तो नहीं कर सकते, एलिमिनेशन करना है तो सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम 5, तो देखेंगे अब यहाँ क्या हो सकता है। तो इक्वेशन 5 क्या है, 8x प्लस 24y इज इक्वल टू 80, इस इक्वेशन नंबर 5, इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है इक्वेशन 4, 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, देन सब्ट्रैक्शन के टाइम पे हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस का माइनस, इधर प्लस का माइनस, यहाँ पे भी प्लस का माइनस साइन कर दिया। अब 8x प्लस है और यहाँ पे 8x माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 24y माइनस y दैट इज 23y, और इधर 80 माइनस 11 कितना बचा, 69। एट लास्ट y इज इक्वल टू 69, और ये 23 इधर जाने के बाद में अपॉन 23, 63, 69 अपॉन 23, दैट मीन्स 23 थ्री जा 69, ओके, 23 थ्री जा 3 डिवाइडेड बाय 69 डिवाइडेड बाय 23, दैट इज आंसर इज 3, y इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू 3, एंड एट लास्ट अब हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है। अब जितने भी हमारे पास इक्वेशन है, फाइव इक्वेशन, वी हैव फाइव इक्वेशंस, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन एनी ऑफ द इक्वेशंस, कोई भी एक इक्वेशन चुनो और उसमें वाई की वैल्यू पुट करो। इक्वेशन थ्री थोड़ा ईजी लग रहा है, तो इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन, इन इक्वेशन थ्री, क्या है इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री है एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 10। अब पुट करने के बाद में क्या होगा, एक्स एज इट इज प्लस थ्री इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ वाई इज थ्री इज इक्वल टू 10, एंड देन एक्स प्लस थ्री थ्री जा 9 इज इक्वल टू 10, एंड देन आगे क्या होगा, एक्स एज इट इज प्लस 9 इधर क्या हो गया, माइनस 9, 10 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1। हेयर इज द सोल्यूशन, व्हाट इज द सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। थोड़ा सा एक स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेंज है, ये बाद में हम जो मेथड है हमारी एलिमिनेशन मेथड वो कैसे यूज़ कर सकते हैं आपको शायद इस एग्जांपल से पता चल गया होगा, मतलब अब इस ऐसा अगर एग्जांपल आया तो उस एग्जांपल से डरना नहीं है, क्या करना है, खाली उसमें जो डिनोमिनेटर है उसी से उस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को ख़त्म कर देना है, हमारा जो डर है उसे ख़त्म कर देना है, ठीक है। अभी ऐसा अगर एग्जाम्पल आया तो समझो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ये एग्जाम्पल एक आपके सामने है, ये एग्जाम्पल पेपर के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत से बच्चे हैं जिनको ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग लगेगा और अलग है भी। हमें सिर्फ क्या करना है, मैं तीन स्टेप बताऊंगा, वो तीन स्टेप खाली ध्यान में रखना है, तीन स्टेप है इससे सॉल्व करने के, कितने स्टेप, तीन स्टेप। क्यों, क्यों तीन स्टेप, क्योंकि ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, क्योंकि यहाँ देखिए 99x है, वेरिएबल ऑफ एक्स क्या है 99, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 99। सेकेंड इक्वेशन में देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वाई 99 है, फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ वाई 101 है जो कि सेकेंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, इसका मतलब जो एक्स का कोएफिशिएंट था वो वाई की जगह पे, वाई का कोएफिशिएंट की जगह पे गया, कोएफिशिएंट जो है वो इंटरचेंज हो गए,
इसे हम कहेंगे इंटरचेंज ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो ये ऐसे जो एग्जांपल 99x + 101y = 499 एंड 101x + 99y इज इक्वल टू 501, इसे हम सॉल्व करेंगे तीन स्टेप, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन। तो पहले तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 99x + 101y = 499, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड हमारे पास इक्वेशन कौन सा है, सेकंड इक्वेशन है 101x + 99y = 501, ये हमारा है इक्वेशन सेकंड। पहली स्टेप क्या है हमारी, हमारी पहली स्टेप है एडिशन। तो किसका एडिशन, इक्वेशन वन एंड टू का एडिशन। एडिशन किसके करेंगे हम, एडिंग, क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, दूसरा तो कुछ कर नहीं सकते। मतलब क्या करेंगे, 99x + 101y = 499 एंड देन एडिंग इक्वेशन सेकंड 101x + 99y = 501। एडिशन के बाद में साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो 99x + 101x 200x + 200y, क्योंकि सेम ही है, एडिशन सेम आएगी। 499 + 501, ये वन इधर डाल लिया, 55 कितना हुआ, 1000। तो पहले तो हम जीरो कैंसिल करेंगे पूरे इक्वेशन में थ्रू आउट। अब इजी हो गया, टू 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 टेन मतलब टू से डिवाइड करो, टू वन ज़ा टू, वन एक्स मतलब एक्स, प्लस टू वन ज़ा टू मतलब वन वाई मतलब ओनली वाई, टू फाइव ज़ा टेन, ये हुआ हमारा इक्वेशन थर्ड। अब पहली स्टेप तो पूरी हो गई, एडिशन तो पूरी हो गई, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन भी उसी का करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का। किस में से, कौन से इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करोगे आप, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट या फर्स्ट में से सेकंड? जी हाँ, सेकंड में से फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में, सेकंड से हमें फर्स्ट इक्वेशन माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ओके, तो क्या होगा फिर, 101x + 99y = 501, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 99x + 101y = 499। सब्ट्रैक्शन पे टाइम टाइम पे साइन चेंज, 99x माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, 101x - 99x दैट इज 2x, 99y - 101y यहाँ पे भी 2y, लेकिन द ग्रेटर नंबर कौन सा है, यहाँ पे ग्रेटर नंबर है 101, उसका साइन प्लस था लेकिन माइनस हो गया। तो साइन जब हम देते हैं सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, वो ग्रेटर नंबर का साइन देंगे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -2y = 501 - 499 दैट इज 2। और पूरे इक्वेशन को थ्रू आउट अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + y = 1, 2 1 ज़ा 2 1x मतलब ओनली x, 2 2 1 ज़ा 2 मतलब ओनली वाई, और 2 1 ज़ा 2 मतलब यहाँ पे 1, सॉरी एक मिनट यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, x - y = 1, व्हाट इज द इक्वेशन, x - y = 1, इक्वेशन नंबर फोर। अब हमारी सेकंड स्टेप पूरी हो गई, यहाँ पे सेकंड स्टेप कंप्लीट। और उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप, व्हाट इज द थर्ड स्टेप। अब हमें इनकी एडिशन भी हमने कर दी और इनकी सब्ट्रैक्शन भी हमने कर दी, ये दोनों इक्वेशन की। अब हमारे पास बचा क्या है, बचा इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, तो उसकी एडिशन करना है, एडिंग इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, x + y = 5, और इक्वेशन फोर्थ क्या है, प्लस ऐड करना है इक्वेशन फोर्थ, x - y = 1। एडिशन के टाइम पे साइन चेंज नहीं करना, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x + x 2x 2x = 5 + 1 6, दैट मीन्स 2x = 6, सो x = 6/2, सो x = 6/2 x = 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x = 3। और एक ही वैल्यू मिली, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तो x = 3 मतलब आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। कौन सा इक्वेशन इजी है, यस इक्वेशन थ्री इजी है, पुट x = 3 इन इक्वेशन थ्री। इक्वेशन थ्री क्या है, इक्वेशन थ्री है x + y =
5 एंड देयर फॉर वैल्यू ऑफ एक्स 3, एक्स की जगह पे 3 प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू 5 एंड देन 3 प्लस वाई एज इट इज 5 एज इट इज, अब प्लस 3 इधर जाने के बाद में क्या हो गया माइनस 3, देन 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2, और ऐसे यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो गया है, थर्ड स्टेप कंप्लीट। ओके, तो ये ऐसे हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना इजी था। ऐसे ही अब इजी क्वेश्चंस और इजी मेथड में हमें पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली आप एक एक टॉपिक पे वीडियो आपको मिलती रहेगी। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी आपको दबा देना होगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपनी केयर करते रहिए। चलो बाय।